ये देखो आप, ये मैंने बनाई है मटन करी, लेकिन ये कोई ऐसी सी मटन करी नहीं है। मैंने इस मटन करी में मेरे ख्याल से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। इसमें बस मैंने मटन के अंदर प्याज डाला, सब कुछ डाला और छोड़ दिया मटन को, और अपने आप ही ये करी बन गई। तो कैसे, ये आप इस वीडियो में देखना, और इससे पहले ये तो देख लो कि मटन कितना बढ़िया तरीके से गला है। तो दोस्तों, इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो मटन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया है। 1 किलो मटन के लिए आपको लगभग 300 ग्राम प्याज चाहिए होगा। उसके साथ साथ आपके काम को बहुत आसान बनाने के लिए मैंने तो यहाँ पर इस्तेमाल करी है डाबर होममेड का अदरक लहसुन का पेस्ट और डाबर होममेड की टमाटो प्यूरी। आप देखना इससे काम कितना आसान हो जाता है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने मटन के पीसेस कौन कौन से लिए हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर सीना लिया है, यानी कि ये चाप का पीस है। इसके साथ साथ मैंने 2-3 नलियाँ ली है। इसको मछली कहते हैं, ये नली के नीचे से ही निकलता है, यानी कि टांग से ही आता है। उसके साथ साथ मैंने दस्ती ली है, दस्ती यानी कि शोल्डर, और थोड़ी सी पुट यानी कि बैक साइड भी ली है। थोड़ा सा दोस्तों आप ये ध्यान देना कि मटन में हल्की सी चर्बी ज़रूर हो, ताकि वो मटन की जो ग्रेवी है उसका फ्लेवर बढ़ाए, और यहाँ पर इस कुकिंग में स्पेसिफिकली कुछ भी जलने से रोके, क्योंकि वो मॉइस्चर और फैट रिलीज करेगी। अब दोस्तों, इस रेसिपी में पर्टिकुलरली आप मटन को अच्छे से ज़रूर धोना, ताकि उस पर थोड़ा सा मॉइस्चर चिपके, और आगे जाके जब आप ब्रेजिंग करोगे, जब लॉन्ग टर्म कुकिंग करोगे, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहला काम, या जो इकलौता मेहनत का काम जो आपने करना है, वो ये है कि आपने यहाँ पर प्याज को हल्का सा यानी कि एकदम रफली चॉप करना है। रफली करना है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, हाँ लेकिन चॉप ज़रूर करना है। अगर हम स्लाइसेस में करेंगे तो पूरी तरीके से गलने के उनके चांसेस नहीं रहेंगे, उसमें और भी ब्रेज करना पड़ता है मटन को, अगर आप उनको गलाना चाहते हो। मैंने इसलिए यहाँ पर रफली चॉप कर लिया है। आप देखो प्याज को मैंने कैसे काटा है। अच्छा, खैर मसालों की भी बात कर लेते हैं कि मसाले कौन कौन से लेने हैं। मैंने इस रेसिपी में कोई खास स्पेशल मसाले नहीं लिए हैं। मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर है ये भुना हुआ, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। उसके साथ साथ 1.5 से 2 टेबलस्पून आपके ऊपर है, आप यहाँ पर नमक लेना और हल्दी डालना बिल्कुल मत भूलना, 1/2 टेबलस्पून वो भी डालना है। दोस्तों, मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, 1 किलो मटन बना रहा हूँ, इसलिए टेबलस्पून है। अगर आप 1/2 किलो बना रहे हो तो आप इसका हाफ ले लेना। उसके साथ साथ खड़े मसालों में 1 तेज पत्ता है, दालचीनी है, छोटी इलायची है थोड़ी सी, लौंग है, बड़ी इलायची, काली मिर्च, मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें भी ली हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये है फ्रेशली कुटा हुआ, एकदम फ्रेशली कुटा हुआ सौंफ है ये। 1 चम्मच तक सौंफ था, उसको मैंने कूट लिया है। सौंफ एक ऐसा मसाला है जो आप थोड़ा सा भी डालोगे ना तो वो इतना शैतान है कि उसकी जो एक टेस्ट होता है वो हमेशा जबान पर आता ही आता है। जीरा की तरह नहीं है जो एक बेस नोट दे, या धनिया की तरह नहीं है जो एक बेस नोट दे, है एक बेस नोट वाला ही मसाला, लेकिन अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराता है। तो आप सॉस ज़रूर डालना है इसमें। मैंने दोस्तों, वैसे तो अगर मैं इस रेसिपी का बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो आप यहाँ पर हांडी में बनाना या देग में बनाना, लेकिन मुझे पता है कि हर एक के पास नहीं होता। अब जो एक्चुअल फैक्ट की बात है वो ये है कि सबके पास देग नहीं होता, लेकिन हर एक के पास होता है एक भगोना, सबके पास ही होता है भगोना, तो आप यहाँ पर भगोने का ही इस्तेमाल करना। मैंने भी उसी का ही किया है। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भगोने का आपको ढक्कन सही चाहिए, और ढक्कन के ऊपर हम थोड़ा सा वेट रखेंगे, जिससे कि प्रेशर बनेगा, मटन बहुत अच्छे से पकेगा उससे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी तो फटाफट से शुरू करते हैं मटन बनाना। आप भगोने में सबसे पहले सरसों का तेल लेना। दोस्तों, यहाँ पर अगर तेल की बात करें तो 2 मेन चीज़ों का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। एक है देसी घी। देसी घी क्या करता है कि जितने मसाले हैं उनका जो स्ट्रेंथ है वो हल्की सी कम करता है, उनको बैठाता है, और जो सरसों का तेल है वो मसालों के फ्लेवर्स को उठाता है। दोनों में फ़र्क इतना ही है। मैंने सरसों का तेल किया है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा मसालेदार बनाना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ी फ्लेवर्स को बैठाना चाहते हो तो आप घी का इस्तेमाल करना। सरसों का तेल है, कच्चा तेल है, तो इसको पहले थोड़ा सा जला लेते हैं। जैसे ही इससे धुआं निकलने लग जाए, आप गैस को एकदम लो करना और यहाँ पर खड़े मसाले डाल देना। हल्का सा रोस्ट करना है मसालों को, ज़्यादा नहीं। फटाफट से आप यहाँ पर प्याज डाल देना, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और मैंने बाद में डाला है कुटी हुई सौंफ को। आप यहाँ पर तेल को अच्छे से प्याज में स्टर कर लेना। अभी तक 1 मिनट ही लगा है ना आपको, इतनी मेहनत थी दोस्तों। अब सीधा ही आपने यहाँ पर मटन डालना है सारा, 1 किलो।
आपको लग रहा होगा कि मेरा भगवाना थोड़ा छोटा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम सही बनकर आएगा। सीधा इसके ऊपर आप यहाँ पर सूखे मसालों का कॉम्बिनेशन था वो आप यहाँ पर डाल देंगे फटाफट से, और इसको भी मटन के साथ प्याज के साथ आप यहाँ पर अच्छे से मिला देंगे। तो लगभग सारी मेहनत तो यही थी दोस्तों। लास्ट एक चीज मैंने यहाँ पर डाली है शुरुआत में, वो है लगभग 2 टेबलस्पून तक डाबर होममेड का अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसको भी यहाँ पर अच्छे से मिला देना एंड दैट्स इट। यही थी आपकी मेन कुकिंग वाला पार्ट जो आपने मेहनत करना था ना। अब बस आपने करना है कि आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है, गैस को एकदम लो फ्लेम पर करना है, एकदम लोएस्ट फ्लेम पर, और ढक्कन लगाने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी भारी चीज रख देना ताकि इसके ऊपर प्रेशर बना रहे। अब ये भगवाने के अंदर ऐसा हो क्या रहा है कि मटन भी पक जाएगा और प्याज भी पक जाएंगे? सिंपल सी बात है, जब ऐसे ढककर रखोगे तो शुरुआत में तो पहले भुनाई होगी, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर निकलना शुरू होगा मटन से प्याज से, जिसकी वजह से स्टीम बनेगी, और स्टीम जो है हम यहाँ पर ढक्कन लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो स्टीम वापस अंदर जाएगी, अपने आप ही प्याज भी गल जाएंगे, मटन भी गल जाएगा थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको मिनिमम 25 मिनट से लेकर आधे घंटे के लिए ढक कर इसको बिल्कुल बंद करके रखना होगा एकदम लो फ्लेम पर। गलती से भी खोलना मत इसको, नहीं तो प्रेशर निकल जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है तो आप 25 मिनट के बाद, 20 से 25 मिनट के बाद एक बारी देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर आधे घंटे बाद ढक्कन खोला है और आप ये देखो प्याज का नामो निशान भी नहीं है सीरियसली, और अगर है भी तो आप इसको थोड़ा सा स्टर करोगे ना प्याज अपने आप ही गायब हो जाएगा दोस्तों। ये देखो आप, अगर मैं जो लेडल के ऊपर जो छोटे छोटे प्याज आपको दिख भी रहे होंगे, आप उनको प्रेस करोगे अपने आप ही गायब हो जाएंगे। तो आप जितना इसको स्टर करोगे प्याज उतना ही घुल जाएगा। और जहाँ तक रही बात मटन की, तो आधे घंटे में मटन गलना थोड़ा शुरू हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा मटन तो नीचे से चिपक गया होगा, तो आप पूरी देख लो, कहीं से भी ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अगर ढककर छोड़ दोगे ना आराम से पक जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही बात मटन की, तो आप ये देख लो मटन, ये मटन का थोड़ा सा बड़ा पीस है लेकिन ये अभी से गलना शुरू हो गया है। तो ये हुई ना कुछ कमाल की बात। वैसे ही सोचते थे कि मटन बनने में इतना टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, किचन में खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप टेक्निक से कोई भी चीज़ आसान बना सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है बस लास्ट के कुछ पार्ट करने हैं। तो इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर डाला है डाबर होममेड की टमाटो प्यूरी। डाबर होममेड की टमाटो प्यूरी बनी है 100% पके हुए लाल टमाटरों से, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव नहीं डले हुए, और आप इसको बहुत सारी डिशेज में यूज कर सकते हो, जैसे कि राजमा में भी कर सकते हो, चिकन भी बना सकते हो, मशरूम मटर भी बना सकते हो, आप टमाटर की जगह इसको आराम से यूज कर सकते हो, बड़ी काम की चीज है। इस पॉइंट पर आप यहाँ पर प्यूरी के साथ साथ थोड़ा सा पानी भी डाल देना, और फिर आपने फिर से ढक्कन लगाना है, एकदम लो फ्लेम पर छोड़ना है इसको। आप यहाँ पर इसको 15 मिनट तक और पकने देना, जितनी तरी है अपने आप ही पूरी सेट हो जाएगी। बस 45 मिनट हो चुके हैं, मैंने यहाँ पर इतनी मेहनत बिल्कुल भी नहीं करी है। एंड की चीज़ें मुझे यहाँ पर डालनी हैं, जो कि है गरम मसाला और कसूरी मेथी। दोस्तों इस स्टेज पर आकर अगर आपका मटन नहीं गला है तो आप इसको ढक कर और गला सकते हो। मुझे यहाँ पर मेरी तरी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। बाकी अब आपकी मटन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो बहुत जल्दी मटन गल जाएगा, अगर मटन थोड़ा पुराना है या पड़ा हुआ है तो उसको गलने में टाइम लगता है। तो अगर आपका मटन पुराना है तो आप इसको ढककर और थोड़ी देर पकने देना, अपने आप ही मटन और गल जाएगा। तो बिल्कुल मटन की क्वालिटी के ऊपर आती है अब ये बात। वैसे 45 मिनट्स में मटन बहुत आराम से पक जाता है, और इस रेसिपी में खासकर आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप ये देखो एंड में मटन करी बन के पूरी तैयार है। क्या कोई इसमें कह भी सकता है कि मैंने शुरुआत में ही मटन के साथ प्याज डाल दिया था? नहीं ना। और दूसरी बात, आप मटन को देखो कितना बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से गला हुआ है, और इसके अंदर तक आपको फ्लेवर मिलेगा। आप इसको बना कर देखना एक बार, आपको सच में ये बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे बैचलर भाइयों को पसंद आई या नहीं आई, जिन लोगों ने मुझे बार बार कमेंट करके बोला था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ऐसी ही सिंपल सिंपल वीडियोस ला कर ले रहा हूँ।